रेसिपी में हम बना रहे हैं स्वादिष्ट दही पपड़ी चाट। दही पपड़ी चाट बनाने के लिए पहले हमें पपड़ी बनाना पड़ेगी और हम आटे की पपड़ी बनाएंगे। यहाँ ये हमने आटा लिया है 3 कटोरी। उसके बाद में इसकी पपड़ी बनाने के बाद हमें जो चाट के लिए सामग्री लगेगी उसमें ये दही लिया हुआ है थोड़ा फेटा हुआ, इसमें हमने छोटे 2 चम्मच शक्कर डाली है और ये खट्टी मीठी इमली की चटनी है। उसके बाद हमने थोड़ी मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला और नमक लिया है, ये कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, ये फीकी बारीक सेव है और ये 5-1 आलू लिए हमने उबले हुए। और हमें ये पपड़ी बनाने के लिए इस टाइप में आप एक आधे छोटी बॉटल ले सकते हो या कोई छोटी कटोरी जिसकी किनोर गहरी हो ताकि हम इसे पपड़ी कट कर सकें। अब ये आटे में हम बिल्कुल थोड़ा सा आधा चम्मच ये हम नमक डाल देंगे और सिर्फ पानी की सहायता से इसे सादे पानी से उसन लेंगे। ये आटा हमने उसन लिया है, ये थोड़ा सा हमें पूड़ी की तरह कड़क थोड़ा आटा उसनना है और ये हमने थोड़ा सा और सूखा आटा ले लिया है ताकि हमें इसे लगाने के लिए आटा लगेगा। हमें इतने बड़े लोए बनाना है। अब हम इसे ये थोड़ा सा सिर्फ एक बार ये अच्छे से आटा लगा लेंगे और इसकी पपड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। हम इस तरह से इसे बड़ी बेल लेंगे, पतली बेलना है हमें। हम जब तक के पपड़ी बना रहे हैं तो हमने तेल गरम करने रख दिया है। हम पपड़ी कट करेंगे तब तक थोड़ा तेल गरम हो जाएगा। देखिए इसे हमें सिर्फ ये नुकीला होने के वजह से हमें सिर्फ ऐसे इसे घुमाना है। ये देखिए इस तरह हमने पूरी पपड़ियों को सर्कल कर लिया है। अब आसानी से ये पूरी परत हम उठा लेंगे और हमारी ये गोल साइज की एकदम गोल, देखिए कैसे गोल गोल पपड़ियाँ रेडी है। इस तरह हमने पूरी पपड़ियाँ बना लिए हैं। हम इसे 5 मिनट थोड़ा खुला रहन देंगे, उसके बाद में इसे तल लेंगे। देखिए एकदम हमने पतली पपड़ियाँ बनाई हैं। अब हम इसे ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये पूरी पपड़ियाँ तल लेंगे। हमें इसे मीडियम आंच पे तलना है और अच्छी आखिरी होने तक के तलनी है। इस तरह से हमें ये देखिए ये इस तरह से हमें ये थोड़ा सा गुलाबी सा कलर होने पे इसे हम उतार लेंगे, गोल्डन कलर हो गया है। अब हम इसे एक न्यूज़पेपर पे रख देंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी ऑयल हो तो पूरा ड्राई हो जाएगा। अब हमने जो उबले आलू लिए थे उसे अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब हम ये उबले आलू में प्याज डाल देंगे, एक छोटा प्याज जो हमने लिया है ये हम इसमें डाल देंगे। अब नमक मिर्ची अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डाला है, आप मिर्च नमक थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्व करते समय हम पहले ये प्लेट में पपड़ी ऑन सेट कर लेंगे, उसके बाद जो हमने ये आलू का मसाला रेडी किया है ये हम सब पपड़ियों पे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रखते जाएंगे। अब इसके बाद हमने ये जो दही फेटा है ये दही इसके ऊपर डालते जाएंगे। इसी तरह हमने इस पर इमली की चटनी भी डाल दी है। अब हम इस पर सेव डालेंगे, ये जो हमने फीकी सेव ली है ये हम इस पर डालेंगे। अब इस पर हम ये मिर्च, ये नमक, मिर्च हम हमारे स्वाद अनुसार डाल सकते हैं कम ज़्यादा। उसके बाद में ये चाट मसाला और सब में लास्ट में हम इस पर डालेंगे हरा धनिया। देखिए ये तैयार है हमारी दही पपड़ी चाट। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।